अविजित है वो सूर्य ही है। तो सूर्य की उपासना होती है और स्वाभाविक रूप से बिहारवासी जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, देश की तो बात छोड़िए, रहते हैं, वो इस समय में घर आना पसंद करते हैं। पहले भी होता रहा है और इस बार भी होना चाहिए था कि रेलवे को विशेष प्रबंध, खास तौर से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, इन सब शहरों से विशेष रूप से गाड़ियां चलाई जाती रही हैं। इस बार अचानक से लोगों की संख्या या ट्रेनों में अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रही है। ये तो समय होता है जब रेलवे के द्वारा पहले से नियोजित तरीके से कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाती थी। इस परिस्थिति पर विचार करते हुए हर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां से विशेष रेलगाड़ी का प्रबंध करना चाहिए और ये होता रहा है। ये नहीं करना ये गैर वाजिब है कि बीजेपी साथ में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, उनसे जरा पूछ लीजिएगा जो कभी ट्रेन भेजा जाता था। और बिहार के लोग अगर विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं तो कोई फ्री राइड के लिए नहीं मांग रहे हैं, सब लोग टिकट कटा के आते हैं। और अगर लोग टिकट कटा के यात्रा करने के लिए तैयार हैं तो ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वो विशेष ट्रेन का प्रबंध करे। कोई मुफ्त में यात्रा करने के लिए, वैसे ही मतलब सवारी ढोने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है कि जो भी आना चाहते हैं, जो भी बिहारवासी बिहार से बाहर हैं वो घर आना चाहते हैं तो बाजाबता वो लोग टिकट कटा के अपनी यात्रा का खर्च वहन करके आना चाहते हैं। तो ऐसे में ये प्रबंध कर दें, ये प्रबंध कर दें, ये तो पता नहीं किस मानसिकता से क्या क्या बोल जाते हैं, ये बात ही समझ में नहीं आती है। वो भी तो सरकार में थे, पहले यूपीए की भी सरकार थी या एनडीए की भी जो सरकार पहले की थी, वो बराबर से विशेष रेलगाड़ी का प्रबंध करते रही है और बिहारवासी उसमें टिकट का पैसा देकर यात्रा करते रहे। तो इसमें इसको भी अगर राजनीतिक चश्मे से देखने लगे भाजपा के लोग, यह तो आश्चर्यजनक।